दोस्तों रात के अंधेरे में चल रही है राइडिंग, थोड़ी ऑफ रोडिंग पे पीटर्स आश्रम से आगे की तरफ। भाई साहब कैसा लग रहा है रास्ता, अमेजिंग। आ रही है फील कुछ बढ़िया। लाइट चलाऊं एक और एक्स्ट्रा, पता चलेगा क्या है, लाइट सही भी है या नहीं। तो बहुत नीचे हो रखी है। राइड ऐसे जंगल में क्या कहने, लाइट बंद करूं। ओहो अगर ऐसे रास्ते में कोई बाइक वाइक ख़राब हो जाए तो भाई साहब अंधेरे में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। देखो कोई पैदल भी आ रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। ये बाबा के भक्ति है, नीलकंठ बाबा से पैदल आ रहे हैं 101%। क्या लग रहा है यार। देखो दोस्तों ये नीलकंठ बाबा का पैदल मार्ग का रास्ता आ गया, तो हम यहाँ पे आए हैं जी। नीलकंठ बाबा की चढ़ाई जो नीचे से चालू होती है उसके आगे से घूम के जो ऊपर को एक रोड जाती है उससे वापस हो रहे हैं हम। और यहाँ से बीच में बहुत बढ़िया व्यू दिखने वाला है ऋषिकेश का। नाइट राइड का मज़ा ही कुछ और है। मेरे को पता नहीं आप लोगों को कैमरे में क्या दिख रहा होगा, शूट में कितना बढ़िया लग रहा होगा। ये देखो दोस्तों ये ऊपर रास्ता जाता है नीलकंठ बाबा को, और ये नीचे से हम आते हैं इधर। ये जो रास्ता आप नजर आ रहा है ये नीलकंठ बाबा का है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं चमक रहा होगा या नहीं। और ये नीचे से हम ऊपर आएंगे। वैसे तो हम इस ट्रेल पे भी जा सकते हैं, 1 किलोमीटर तक ये पैदल बाइक चली जाएगी, उसके आगे बंद हो जाएगा, पर अभी कोई मूड नहीं है। और ये देखिए कैसे यहाँ पत्थर पड़े हैं। ये पूरा रास्ता है जो नीचे से आता है, हम नीचे से आके यहाँ से वापस हो रहे हैं। अब इस रास्ते से मैं कभी नहीं गया, मतलब एक बार ही। खैर ये रास्ता तो वही वाला ही है जो अपना चंडी देवी के आगे से होके आता है, लेकिन मैं ऋषिकेश में कभी इधर से आके यूँ नहीं घूमा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, और वाह सामने क्या लग रहे हैं पहाड़ यार। अब इधर से ऋषिकेश का पूरा व्यू दिखेगा कुछ देर में, तो देखते रहिए, बने रहिए। हर हर महादेव। वाह यार क्या लग रही है रोड। खैर बेस्ट ट्रिप अगर आपको बाइक से अगर करनी है बजट के अंदर, और आप चाहते हो कि आपको एडवेंचर पूरा मिले, तो आप नीलकंठ बाबा के ट्रिप करके आओ एक। और अगर ट्रैकिंग की भी बेस्ट ट्रिप चाहते हो तो भी नीलकंठ बाबा की करके आओ। ट्रैकिंग का और बाइक का दोनों से रास्ता बहुत ही बढ़िया है, फुल ऑन एडवेंचर, व्यू बहुत बढ़िया मिलते हैं। चाहे आप नीलकंठ बाबा बाई रोड से जाओ या वैसे चढ़ाई करके जाओ, ट्रैक करके बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बजट वाला टूर मेरे हिसाब से तो यही है हरिद्वार के आसपास के लोगों के लिए। यहाँ से देखो क्या बात है, आगे झाड़ियाँ थोड़ी हटेंगी तो और देखेंगे बढ़िया करके। वाह यार वाह, ये गोप्रो की जगह थोड़ा हाई
क्वालिटी का DSLR होता तो मैं आपको बढ़िया दिखाता। और क्या बात है भाई, देखते हैं शायद आगे जाके कहीं से क्लियर दिखे। तो ये देख रहे हो, ये चमकता हुआ सारा ऋषिकेश है अपना, और अभी हम राम झूले के ऊपर चल रहे होंगे। वो देखो सामने वो चमक रहा है, राम झूला ही है वो शायद, ये हाँ राम झूला ही है वो, जो सामने चमक रहा है राम झूला है, तो हम राम झूला के बैक साइड में ही है अभी। तो अगर आपको ऋषिकेश का ये नज़ारा अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में तो इतना बढ़िया नहीं चमकता है, तो आप यहाँ आइए और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस यहाँ रात के टाइम रुकना बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि यहाँ जानवरों का ख़तरा हमेशा बना रहता है, ये पूरा जंगल है, यहाँ कोई सा भी जानवर किसी भी टाइम आ सकता है। वाओ 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 वाओ, ये थोड़ी जगह सही दिखती है, तो यहाँ आपको क्लियर दिखाते हैं रुक के। खैर यहाँ से मैंने दिन के टाइम फ़ोटोज़ ले रखी हैं, आप चेक करना इंस्टाग्राम पे मेरे सेम नेम डिवाइन ट्रैवल अलोन। बाकी अब देखते हैं और कुछ नाइट के टाइम फुटेज कैसी आती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये जो आप चमकता हुआ सारा देख रहे हो ना, ये अपना ऋषिकेश है, एंड मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ अपने, क्योंकि कैमरा की इतनी जूमिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप देखो कितना क्लियर क्लियर चमक रहा है यहाँ से सब, और ये गंगा जी हैं अपनी। तो आपको ये नाइट व्यू देखना हो, थोड़ा रिलैक्स करना हो, तो यहाँ आना थोड़ी देर के लिए, पूरा चमचमाता दिखेगा आपको। नहीं तो आपको चंबा या टिहरी की तरफ जाते हुए दिखेंगे, फिर ऊपर मंसूरी वगैरह की साइड पास में देखना है तो ये। तो जी दोस्तों ये नज़ारा अपना ऋषिकेश का है, मैंने कुछ बढ़िया फ़ोटोज़ कैप्चर करी हैं जूम करके, आप वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक करना सेम नेम से डिवाइन ट्रैवल अलोन। बाकी अब चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ और रास्ते में बढ़िया दिखता है तो वो और कैप्चर करेंगे। मजा आ गया। हुई 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 हुई। देख रहे हो आप ये राम झूला, और ये जो चमक रहा है ये लक्ष्मण झूला। तो ये लक्ष्मण झूला हो गया, और इधर को राम झूला हो गया, और नीचे गंगा जी, इतनी ऊपर है हम।